चाइना का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि, और ये इसमें बहुत अहम बातें आती हैं, मुझे आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। चाइना का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि ग्वादर एक इंटरनेशनल सिटी होगा, वहाँ पे स्काई राइज होंगी, वहाँ पे रोड्स जो हैं वो होंगी, गाड़ियाँ चल रही होंगी, होटल्स होंगे, मोटेल्स होंगे, और वहाँ पे जो है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। चाइना का कोई कंसर्न नहीं है कि ग्वादर शहर बनता है या नहीं बनता। चाइना को सिर्फ गर्ज ये है, और उसके किसी मंसूबे में ग्वादर को शहर बनाना मौजूद नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, और इस गलतफहमी की वजह से पाकिस्तानी लुट रहा है। पाकिस्तानी कहाँ लुट रहा है? पाकिस्तानी लुट रहा है ग्वादर में। इतनी बड़ी हाउसिंग स्कीम आ गई, बैनर लग गए, ठीक है, इतने एडवांस इतना दें और डाउन पेमेंट इतनी दें और ये कब्जा लें। वहाँ पे बेशुमार हाउसिंग सोसाइटियाँ जो हैं इस वक्त इश्तहार वो चल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, GDA, चेयरमैन वहाँ पे जो पोर्ट ट्रस्ट है, पोर्ट अथॉरिटी है, या बलूचिस्तान की हुकूमत या फिर वफाकी हुकूमत, वो इसका नोटिस क्यों नहीं ले रहे? चलें ठीक इसके है, ऊपर तो तजीन साहब नहीं गवादर के इशू के वो ऊपर आपकी बकायदा बात हम पूरा मुझे एक प्रोग्राम दो मिनट करेंगे। दीजिए, मुझे जी जी दो मिनट प्लीज दीजिए, जी ठीक जी है। ये तो है ग्वादर की, इसी चीज़ को आप मुंतबिक कर सकते हैं और इदारों पे भी। आपके मुल्क की ज़मीन में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? एंड रिजल्ट ये है, कमी हुई है। आपका आधा मुल्क फर्ग हो गया है। आप अभी तक कश्मीर पे भी 1 इंच नहीं ले सके। किसी ने यहाँ पे अपना काम नहीं किया, पूरा काम किसी ने नहीं किया। कौमी कैरेक्टर हमारा ये है, उसमें सियासतदान भी, उसमें मैं भी हूँ, जर्नलिस्ट भी, मैं भी अपना काम नहीं कर रहा, मैं भी दूसरे का काम कर रहा हूँ। हर बंदा ये समझता है कि मेरा काम परफेक्ट है, मुझे ये मुनीर साहब की एंकर पर्सनशिप को ठीक करना चाहिए, मैं यहाँ पे बिल्कुल फिट हूँ, चाहे मेरी रिसर्च हो या ना हो, मालूमात हो, मैं कोई काम की बात आपको बता रहा हूँ या नहीं, ये हमारा कौमी किरदार है। कोई भी किसी को, अभी वो शेर व शायरी आपको याद है ना, तेरी मुनसफी का सवाल है, उन्होंने कहा तेरी रहबरी का सवाल है, उन्होंने कहा तेरी मुनसफी का सवाल है। ये तो इस वक्त बुनियादी बात यह इस्लामाबाद है कि में, दोनों देखें तरफ मैं आपको एक छोटी जी सी जी बात बताता जी हूँ, जी इस्लामाबाद में पूरे मुल्क की सियासत है इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में कोई कौमी काम नहीं हो रहा, पर्सनल लड़ाइयाँ हो रही हैं, इदारों के दरमियान हैं या शख्सियात के दरमियान हैं, जाती लड़ाइयाँ। जी आप इस पे मेरे ख्याल कमेंट करना चाह रहे हैं। मैं जी सिर्फ आपसे एक चीज़ कहूँगा, आई जी डू एग्री कि हर इदारे को सबसे पहली मेरी ओपनिंग यही थी, अपने डोमेन के अंदर रह के काम करता है। बट आई डू बिलीव ऑल्सो कि जी जब स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं तो स्पेशली फिर स्पेशल हालात वो क्रिएट होते हैं तो उसी तरह के आप मेजर जरूर लेते हैं। मैंने पहले तो एग्जांपल दी थी आपको, स्कूल की फीसों की आप बात कर लें, ठीक है, यू नेम एनीथिंग, ओके दूध, ठीक है, मैं कहता हूँ जो जुडिशरी का काम नहीं आता, अच्छा जी जुडिशरी भी नहीं करती, ओके मिलिट्री इज नॉट सपोज टू इंटरवीन इन ऑल दीज थिंग, देन हु इज सपोज टू डू द पीपल टू होम वी हैव इलेक्टेड कि यार इन्होंने काम करना है। आप चाहे मेडिकल कॉलेजेस की फीस का करें, स्कूलों की फीस का करें, साफ पानी का करें, यानी साफ पानी की कंपनियों के साथ रिलेटेड जुड़े हुए किस्से, और फिर मेरा ख्याल है वहां की बुलेट प्रूफ गाड़ियां तो पूरे पाकिस्तानियों को पता है, लाहौर को एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि पता है। सिंध की अगर गवर्नेंस की बात करें, पौने 10 सालों की अगर आप हम लेते हैं मुनीर साहब, तो आप मुझे ये जी बताइए कि इतना पैसा NFC अवार्ड के तहत सिर्फ सिंध हुकूमत को गया है, एंड व्हाट एक्चुअली दे हैव प्रूव्ड ऑन ग्राउंड कि उन्होंने किया क्या है। देखिए मैं जरूर ये इसमें अब भी मैं ये कहता हूं कि हाँ अगर इंसाफ की बात करते हो और अगर हम अपनी जुडिशरी को ये सवाल करते हैं कि वो इंसाफ डिलीवर नहीं कर सके, तो क्या वो सर्कमस्टांसेस वो थे, क्या वो फैसिलिटीज थी, क्या वो सारी की सारी, आप देखें ना अगर हुकूमत वक्त ने ये सारे माहौल क्रिएट करके देना होता है, आप इन्वेस्टिगेशन किसने करनी, पुलिस ने करनी है, पकड़ने बंदे किसने, पुलिस ने बंदे पकड़े, इन्वेस्टिगेट किया, इसके बाद उनका चालान तैयार किया, डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होने, किसने, हुकूमत ने प्रोवाइड करने हैं, इसके बाद आपने उसको जो आपके गवाहान हैं उनको प्रोटेक्शन देनी है और फिर उनको लेके जाना है अपनी अदालतों के पास, जब वहां पर जाएंगे जब केस सामने पेश होगा तो इसके बाद यस रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारी जुडिशरी की कि वो उसके ऊपर फैसला करें। उन्होंने फैसला करना जो आप सामने आने वाली शहादतें होती हैं, दिस इज वेरी इजी टू से जी कि उन्होंने काम नहीं किया, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा काम मैं ये समझता हूं इजी नहीं हमारी, है। मैं इसमें बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ, नॉट इजी, वेरी डिफिकल्ट।
मेरा ख्याल है कि इसमें देखें, तो कोई देखें, एक मिसाल जो जितना ये नैरेटिव है ना, जी, जितना ये नैरेटिव है, नहीं जी, आप जी, मुझे पूरा टाइम नहीं दे रहे जी, आपका जी, दिखा प्लीज, दे रहे, ठीक है। देखें, मैं इनकी बात से 200% मुतफिक हूँ, ये सियासतदान निकम्मे हैं। नहीं नहीं, हम सारे निकम्मे हैं, नहीं, इस इज़ नॉट दैट, लेट मी एलाबोरेट, हम सारे के सारे ऐसे हैं, जी 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 तजीन साहब, निकम्मे हैं, ना हंजार हैं, जाहिल हैं, करप्ट हैं। मुझे ये बताइए कि जब इनको निकाला गया, एक पहले निकले हुए थे नवाज शरीफ को भी निकाला गया, 12 अक्टूबर 1999 से लेके 2008 फरवरी के इलेक्शन तक कौन था बीच में बरसर इक्तदार? फौज थी, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है जी, मैं बताता हूँ, नहीं फौज नहीं थी, फौज नहीं थी, बात कर रहे थे, फौज नहीं थी, वो एक बंदा था जो के चीफ होने की वजह से फौज उसके अहकाम मानने के लिए पाबंद थी, वो एक बंदा था, एक बंदा था या उसके साथ तीन चार और बंदे थे, और जो तीन चार बंदे थे उनके साथ जो उसने किया वो भी हमें पता है, सही, ठीक है, जनरल महमूद को भी हम जानते हैं, अजीज साहब को भी हम जानते हैं, बाकी भी जो मुजफ्फर वारसी को कहाँ इन्होंने रखा बाद में रिटायरमेंट के बाद, महमूद साहब को बड़ी मुश्किल से बरसों बाद जाके फौजी फर्टिलाइजर में खपाया तो वो शुक्र अदा कर रहे थे लाकर मुझे कोई नौकरी मिली है। इन 10 बरसों में इनको निकाल देते ना, जब हिसाब करना था तो फिर पूरा हिसाब करते, इनका सफाया करते, ऐसे ही है। वो तो सऊदी अरब के कहने पे आपने भेज दिया उनको, वैसे मैं उसका भी कायल नहीं हूं, उन्होंने इनको इनकार किया था कि मैं दस्तखत नहीं करूंगा, उसको भी छोड़ें, उन 10 बरसों में क्या किया, क्यों नहीं इनसे हमारी जान छुड़ाई? आप फिर आप लेके आए, दोबारा आप लेके आए इनको, और अभी ये लंबी डिबेट है, ये मेरे दिल का दर्द है, इसके ऊपर भी मेरे बच्चों ने यहाँ पे रहना है, ठीक है, हमारे प्रोग्राम का वक्त बड़ा ये मेरे दिल का दर्द है, मुझे ये मुल्क जो है महफूज चाहिए, ऊपर की सतह पे मुझे बंदे चाहिए। आखिरी जुमला मुझे लाओ कीजिएगा, मैं सिर्फ ये कहूँ जैन साहब के बच्चों ने भी रहना है, मेरे बच्चों ने, आपके बच्चों ने रहना है, अगर नहीं रहना तो ये इस मुल्क को जो रूल कर रहे हैं उनके बच्चों ने यानी रहना, वी शुड बी सोबे में भी रूल, नॉट एट ऑल, वी शुड बी वेरी क्लियर, बिल्कुल। नासरीन, आज हम बात कर रहे थे छोटे बलोचिस्तान की जो सूरत हाल, जिस तरह से गवर्नमेंट टॉपल हुई और फिर दूसरी गवर्नमेंट आई और बाद में आजाद उम्मीदवारों को, असल महमूद साहब जी, जी आप इसको क्या देखते हैं कि क्या ये भी कोई अंदरून खाना कोई और चीज है या जनरली बलोचिस्तान को उनके हक की बात कर रहे हैं? मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पंजाब से हैं, प्रेसिडेंट इज़ फ्रॉम सिंध, तो सर्टली अगर आप समझे, और इवन स्पीकर जो नेशनल असम्बली हैं ही टू हेल्स फ्रॉम लाहौर, पंजाब से आते हैं, तो डेफिनेटली अगर स्पीकर आपने या चेयरमैन आपने इलेक्ट करना है सेनेट का, ही मस्ट बी फ्रॉम बलोचिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं डिप्टी स्पीकर डिप्टी चेयरमैन की, तो सर्टली ही टू शुड बी इलेक्टेड आइदर फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा या फिर फाटा की बात आती है। एंड आई डू बिलीव, आप इसको मुख्तलिफ रंग तो लोग दे सकते हैं जी कि नहीं ये तो अच्छा नज़रिया ज़रूरत के तहत कर रहे हैं, आर फॉर दैट मैटर कि नहीं पार्टी इसकी अपनी अपनी तरजीहात हैं, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए आप ये समझते हैं कि चारों सूबों को एक लिहाज से मैशअप होना चाहिए, हार्नेस होना चाहिए, तो सर्टली फिर जितनी भी मेजर पोलिटिकल अपॉइंटमेंट्स आती हैं प्रेजिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, स्पीकर नेशनल असम्बली की, चेयरमैन सेनेट की, वो सारी की सारी फिर इक्वी सब सूबों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। और डेफिनेटली क्योंकि हमारे ही सियासी अकाबरीन हैं वो जिसको कहते हैं जी कि नहीं एहसास महरूमी की बात करते हैं, पसमानदगी की बात करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों से सर्टली जो हमारे बलोच लोग हैं वो फील करते हैं कि जैसे अपने आप को डिप्राइव्ड, वेयर एज प्रैक्टिकली अगर हम थोड़ा सा आपके क्वेश्चन से हटें भी, जिस तरीके से पंजाब या सिंध के लोग हैं वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई हमारे बलोच भाई उनसे अलहदा ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, और मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि दे शुड नॉट गो ओनली ऑन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की तरफ या पेशावर की तरफ चले जाएं, फैसलाबाद की तरफ चले जाएं, उसको हट के आप देखें, आप थोड़ा सा पंजाब के सबर्ब्स में चले जाएं, आप थोड़ा सा सदरन पंजाब के अंदर चले जाएं, इंटीरियर सिंध के अंदर चले जाएं, दे आर लिविंग वर्स देन आर बलोच ब्रदर्स, हकीकत में मैं आपसे ये बता दूं। तो एक वो जो एक ओवरऑल ना एक परसेप्शन जो हमारे पूरे मुल्क के अंदर प्रिवेल करता है कि नहीं जी हमारे बलोचियों की जो है वो बड़ी ज्यादती हो रही है, ये सारा कुछ देर इज नथिंग, पर दूसरी चीज़ ये है
किसी सूरत में ऐसा नहीं हुआ कि जी आपने पंजाब से उठा के तो वहां पे गवर्नर लगा दिया हो, आर फॉर दैट मैटर आपने सिंध से उठा के वहां का सीएम लगा दिया, नॉट एट ऑल। जब भी ऐसा हुआ है इट हैज ऑलवेज बीन अ पर्सन फ्रॉम दैट प्रोविंस। अब ये उनकी जिम्मेदारी आती है, उनके नीचे ओके आप कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी काम करती है, पॉलिटिकल हायरार्की काम करती है। हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये बात हमको कॉमेंट के जरिए बताते रहे, हमारी चैनल को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करना।